बरादरी के हवाले से जिनके लिए बुरी खबर है कि 400 मसीही सरकारी मुलाजमीन बगैर तनख्वाह के ही ईस्टर मनाएंगे। पंजाब हुकूमत के ईस्टर के मौके पर तनख्वाहें देने के दावे धरे के धरे रह चुके हैं। 400 से ज़ायद ऐसे मसीही सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्हें तनख्वाहें नहीं दी गईं। वो सरापा एहतजाज हैं क्योंकि कल ईस्टर है और उन्हें बगैर तनख्वाह के ही ईस्टर मनाना पड़ेगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, पाकिस्तान में मसीही बरादरी के लिए एक बुरी खबर है। कल उनके लिए ईस्टर का त्यौहार है, बहुत खुश त्यौहार है उनके लिए, लेकिन इस अच्छे त्यौहार पर भी 400 मसीही सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दी गई। और आमतौर पर यह किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ईद या उनके त्यौहार से पहले उनको पेश की तनख्वाह दे दी जाती है ताकि वो अपने त्यौहारों के लिए तैयारियां कर सकें। लेकिन 400 मसीही सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त तनख्वाह नहीं दी गई, तनख्वाह के बगैर ही वो ईस्टर मनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने ईस्टर के मौके पर तनख्वाह के जो दावे किए थे आज उन दावों का पोल खुलकर सामने आ चुका है। आपको आम खबर से आगाह करें कि मसीही बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। 400 मसीही सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जो अब बगैर तनख्वाह के ही ईस्टर मनाने पर मजबूर हैं। पंजाब हुकूमत ने जो ईस्टर के मौके पर तनख्वाह देने के वादे किए थे वो धरे के धरे रह गए हैं।